हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बिरला ग्रुप यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप का ये शेयर है और अभी कुछ टाइम पहले मार्केट में आया था, कुछ टाइम मतलब 1-1.5 साल पहले, तब ये 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी की जो करेक्शन है इसमें आई और ये स्टॉक बिल्कुल धराशायी हो गया, 100 रुपये के आसपास मिल रहा है अभी की डेट में और 80 रुपये तक की इसमें गिरावट देखने को मिली। तो आप खुद सोचिए, एक 250 रुपये का शेयर 80 रुपये के आसपास, मतलब 1/3 ऑफ इट्स प्राइस, 67% के आसपास, 66-67% के आसपास, जो कि फिबोनाची में एक लेवल माना जाता है कि यहीं तक की गिरावट पॉसिबल है, यहाँ के बाद शेयर बाउंस बैक कर सकता है। तो अभी के डेट में एक अप ट्रेंड आया है, इसने अपने जो डाउन ट्रेंड था उसको पार किया है। तो चलिए देखते हैं, और साथ में आज क्वार्टरली रिजल्ट आया उसको भी जानते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, नया शेयर है और मेजरली एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कंपनी थ्रू इट्स सब्सिडरीज प्रोवाइड फाइनेंसिंग करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, प्रोटेक्शन एडवाइजरी सर्विसेज देती है कस्टमर और क्लाइंट्स को। चलिए बढ़िया बात है भाई, 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मिड कैप का शेयर मैं इसको कहूँगा। करंट प्राइस देखिए 101 के आसपास है, बुक वैल्यू 40, पी रेशियो 27 का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.86%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.81% और सेल्स ग्रोथ तो बहुत ही ज़बरदस्त 71% की। मतलब अभी नया है और आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है, लेकिन कंपनी पे देखिए मार्केट से ज़्यादा कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा डेट जरूर है क्योंकि फाइनेंसिंग की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर 3.75 रुपये का है और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 72% की है, फेस वैल्यू 10 रुपीज, बहुत बढ़िया। ये तो देख लिया हमने, अब आज इसका रिजल्ट आया है यानी कि 4 मई 2019, अभी 1-1.5 बजे के आसपास इसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट कैसा रहा वो देखते हैं। सबसे पहले रिजल्ट देखिए, प्रॉफिट जो शो किया इसने, ये सारी फिगर जो है आप देखिए, ये एक सारी करोड़ में है, ठीक है। तो प्रॉफिट से सीधे चलता हूँ मैं आपको, प्रॉफिट 258 करोड़ का इस क्वार्टर में शो किया, जो कि पिछले क्वार्टर में, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, पिछले क्वार्टर में 213 करोड़ था। तो उसके बेसिस पे मैं कहूँगा बढ़िया जंप यहाँ पे ऑलमोस्ट 40-42 करोड़ का, और पिछले साल यही प्रॉफिट जो है 169 करोड़ का था। अगर आप टोटल देखा जाए तो 693 करोड़ का पिछले पूरे साल का प्रॉफिट और 870 करोड़ का 2019 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, ये पिछले मार्च का प्रॉफिट है 170 करोड़। तो यहाँ पे जंप आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 170 करोड़ से ऊपर की ये जंप इसने लगाई है प्रॉफिट में, जो कि बहुत बढ़िया मैं मानूंगा इस टाइम पे, बेहतरीन। अब आप सोचे होंगे ये स्टॉक की डिटेल्स तो आपने देख ली, एक नज़र टेक्निकल लेवल पे देखें। तो टेक्निकल लेवल में जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में जब ये आया था तो ये शेयर 250-255 तक गया था, 28 अगस्त 2017 की बात है। उसके बाद इसमें लगातार करेक्शन चल रहा है और स्टॉक ने अपना निचला लेवल जो 75-80 का लेवल बनाया और ये बॉटम बना के बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, और जो डाउन ट्रेंड की लाइन खींची आ रही थी, आप खुद देखिए डाउन ट्रेंड की लाइन खींची आ रही थी, उसको पार किया है और एक कंसोलिडेशन जोन में गया है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद ऐसा दिख रहा है कि ये शेयर इस रिजल्ट के बाद, इस कंसोलिडेशन के बाद, ये शेयर में थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है। और अगर इस शेयर का मैं यहाँ पे आपको वीकली की जगह डेली पैटर्न में दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए आप, ये कंसोलिडेशन जोन जो कहते हैं टेक्निकल लेवल पे, एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन या फिर एक ये देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे इस तरीके से एक चार्ट दिख रहा है और एक हल्का सा ट्रायंगल जो है अप मूवमेंट, हल्का हल्का ऊपर जाके दिख रहा है, और यहीं पे जब इस लेवल को पार करेगा यानी कि ये 105-104 के लेवल को पार करेगा तभी इसमें ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो तीन लेवल से तीन बार इसने कोशिश तो जरूर करी है, लेकिन अब इस लेवल को इसको पार करना है तभी इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। और यहीं पर अगर आप देखो, कई लोग कहेंगे इसको एक फ्लैग पैटर्न टाइप का है, बिल्कुल एक पोल बना, एक झंडा बना, लेकिन पोल ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं कहूँगा ये कंसोलिडेशन जोन चल रहा है मार्च 2018 से लेके और अब तक एक साल से ऊपर हो चुका है इस कंसोलिडेशन जोन को, अब ब्रेकआउट इसमें आने के चांसेस है। यहीं अगर इस स्टॉक की हम डिटेल देखें, अभी एक और न्यूज आई है इसमें, देखिए आदित्य बिरला कैपिटल एक फंड रेजिंग भी कर सकता है, यहाँ पे फंड रेजिंग कर सकता है और जिसकी वजह से इसको अपने बिजनेस के लिए फंड मिलेगा, चलिए वो भी बढ़िया। और दूसरी आदित्य बिरला कैपिटल की एक डिटेल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है, तो देखिए 53 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया हुआ, 142 एफआईआई ने इन्वेस्ट किया हुआ, और ये स्टॉक, ये कंपनी, ये ग्रैसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो आदित्य बिरला ग्रुप की होल्ड मेजर कंपनी है, वो इसका मेजर होल्डर यहाँ पे है, मेजर प्रमोटर है, और पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड एक मेजर हाइस्ट शेयर होल्डर इसमें, और 11% इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने भी इसमें होल्डिंग बना रखी है। तो यहाँ पे देखा आपने आदित्य बिरला ग्रुप का रिजल्ट देखा,
फंडामेंटल्स देखे, टेक्निकल्स देखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।